हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं साइबर थ्रेट का एक टॉपिक। अगर आप साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ रहे हो या फिर जो है ऑनलाइन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो फिर यहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस साइबर थ्रेट का टॉपिक कि भाई साइबर थ्रेट होता क्या है। सो साइबर थ्रेट, अगर हम सिर्फ थ्रेट वर्ड के बारे में जाने तो आम भाषा में हम इसको कई बार बोलते हैं कि यार मुझे थ्रेट दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, यानी डराना, धमकाना कि हम आपके साथ कुछ गलत कर देंगे या फिर कुछ कर भी देना। सो वो आपका थ्रेट या थ्रेटनिंग कहलाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऑनलाइन भी होने लग गई हैं। जैसे आपको कई बार डराया धमकाया जाता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है वहाँ पे आपके डेटा को उठा लिया जाता है और आपको कहते हैं कि हमें पेमेंट दो, देन ओनली हम आपके डेटा को जो है अनलॉक करेंगे, अदरवाइज़ आपका डेटा लॉक रहेगा, इवन यू कैन नॉट गेट एन एक्सेस ऑफ योर डेटा, ओके, जो कि आपके खुद के कंप्यूटर में है। सो ये क्या होते हैं, ये सब आपके थ्रेट्स होते हैं। देखो ऑनलाइन जो है प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया बढ़ गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ आपका ऑनलाइन बिजनेस और सोशल मीडिया नहीं बल्कि और ज़्यादा आपके रीच ऑनलाइन होने लग गई है। और जहाँ पे इतने ज़्यादा रीच है, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग विद रॉन्ग मेंटालिटी भी अवेलेबल होंगे जो कि थ्रेट्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये साइबर थ्रेट का मतलब क्या है? साइबर थ्रेट का मतलब है एनी मलिशियस एक्ट या आपके ऐसे एक्ट जो कि गलत है और एक्टिविटी जिससे आपको जो है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपकी जो इंटीग्रिटी है या फिर जो डिजिटल वर्ल्ड में आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना, उसको हम कहते हैं साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से हो रहे हैं एंड वो जो है वेरियस फॉर्म्स में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थ्रेट का यहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेट होगा, नहीं, देख यहाँ पे जो है वो कई सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल को टारगेट किया जा सकता है, किसी गवर्नमेंट को टारगेट किया जा सकता है या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा सकता है। अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर थ्रेट जो कि क्रूशियल है इस डेवलपिंग इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में, एंड ये जो है बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ साइबर थ्रेट है जो कि आपको दिख सकते हैं। सबसे पहला मालवेयर। मालवेयर क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कोई व्यक्ति अपनी जगह पर बैठा बैठा आपके सिस्टम में डाल सकता है। आपने बीच में कुछ टाइम पहले जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि मालवेयर अटैक्स हो रहे हैं, मालवेयर्स अटैक्स हो रहे हैं और बिटकॉइन में पेमेंट्स मांगी जा रही है, बिकॉज बिटकॉइन अगर आप कहीं पे ट्रांसफ़र करते हो यू कैन नॉट गेट द एक्सेस वेयर यू हैव ट्रांसफर्ड दैट बिटकॉइन या किस व्यक्ति के पास गया है, सो इसलिए बिटकॉइन की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपके सिस्टम में वो अपने घर पे बैठे बैठे जो भी ये थ्रेट कर रहा है वो आपके सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा जिससे आपका डेटा जो है वो बिल्कुल हार्म हो जाएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल हार्म हो जाएंगे, उसका कोई डेटा नहीं बचेगा या फिर आप उस डेटा में उस जो है एक स्पाई वेयर लग जाएगा या फिर आपका जो है वो डेटा आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। और वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई हमें पेमेंट दो, देन ओनली हम क्या करेंगे, हम आपका ये सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे एंड आप आराम से अपना काम कर सकोगे। ऐसा बहुत बार हुआ है और होता रहा है। रैंसमवेयर अटैक्स नाम का जो है आप अगर सर्च करोगे बैठ के तो आपको पता चलेगा रैंसमवेयर अटैक्स बहुत हो चुके हैं पिछले कुछ टाइम में, जिससे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज देखो बेटा आपका या मेरा डेटा चला गया तो शायद हम लोग इतने टेंशन में ना हो, वाई, बिकॉज वी मे हैव सम ओनली थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन आर बैंक अकाउंट, ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच फॉर अस बिकॉज आर पेरेंट्स आर डूइंग वेरी हार्ड जॉब टू गेट इट, ओके, माइट सो यहाँ पे जो है, बट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत सारा डेटा होता है तो वो ऐसे अपना डेटा किसी के पास जो है चला जाए वो उनको उस चीज़ की टेंशन होती है, तो ये ज़्यादातर जो है इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया
किया जाता इस चीज़ में, किया जा सकता है बट किया नहीं जाता बिकॉज उनको पता है कि इंडिविजुअल के पास कम चीज़ होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस जगह पर ज़्यादा ये इस टाइप के अटैक्स को प्रेफर करते हैं. ओके, मेथड्स क्या है? मेथड्स है कि वो क्या करेंगे, एक ईमेल में कुछ ना कोई आपको ईमेल आएगा, उसमें कुछ ऐसी अटैचमेंट्स डाल देंगे जो अगर आप डाउनलोड करोगे, इवन आप वो डाउनलोड करोगे ना अटैचमेंट, वो अपने आप में आपके पूरे सिस्टम में चालू हो जाएगी. तो ये मैलिशियस वेबसाइट्स हो सकती हैं या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग इज व्हाट? आपकी 10 लाख की लॉटरी लगी है, ले लो पेपर ले लो, तो दैट इज फिशिंग. फिशिंग यानी कि डिसेप्टिव ईमेल्स भेजना, मैसेजेस भेजना, वेबसाइट्स टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज नेम, पासवर्ड और फाइनेंशियल डिटेल्स. आई डोंट नो यू गाइस आर फैन ऑफ तारक मेहता और नॉट, मैं तो बड़ी हूँ यार, मैं तो बहुत बचपन से उसको देखे हैं, तो अभी तो शोज इतना अच्छा नहीं चलता, बट पहले के टाइम में ना उसमें ये चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया था दैट देर इज़ अ कैरेक्टर मिस्टर भीड़े, उसने क्या किया था, उसके पास कुछ मेल्स आए थे कि भाई आपकी लॉटरी लगी है, और उसने क्या किया, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया. अब ये चीज़ ना ऑनलाइन होने लग गई है कि आपकी लॉटरी लगी है, आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे. अब बंदा सोचता है यार फटाफट पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, तो वो अकाउंट नंबर भी दे देता है, OTP भी दे देता है, उसके पास OTP आता है, मैसेज आता है, सब आता है, वो दे देता है, डालता ही रहता है सारी चीज़ें, टुक 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 करके डाल देता है, और बाद में पता चलता है आपके अकाउंट से इतना पैसा निकल चुका है. सो वो क्या है, दैट इज़ फिशिंग, यानी कि आपके लिए जाल बिछाना, जैसे मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है दाना डाल करके, सेम वैसी चीज़. और यहाँ पे क्या किया जाता है, फेक ईमेल्स दिए जाते हैं या फिर आप जो कि ऐसा लगे कि जो एक लेजिटिमेटेड सोर्स से आए हैं, अच्छे सोर्स से आए हैं, ऐसे मेल्स आपको भेजे जाते हैं, फेक मेल्स होते हैं, और वहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो. इसलिए आपको RBI बार बार मैसेज भेजता है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी कार्ड डिटेल्स, अपना CVV, अपना अकाउंट डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें. ओके, नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स. अब ये क्या है, ये ऐसे अटैक्स हैं जहाँ पे एम किया जाता है ओवरवेल्म अ टारगेट सिस्टम और नेटवर्क, मेकिंग इट एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल टू लेजिटिमेट यूजर्स बाय फ्लोडिंग इट विथ ट्रैफिक. कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा आप कुछ वेबसाइट खोल रहे हो, आप कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको खुलता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हो गए, नेटवर्क्स हो गए, उस पर अटैक हो जाता है. अटैक यानी कि यहाँ पे इतने सारे लोग इनएक्सेसिबल, इतने सारे लोग उस पर ट्रैफिक चला जाता है, इतना सारा उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो यानी कि सर्विस डिनायल कर देना, किसी सिस्टम की किसी नेटवर्क में इतने सारे ट्रैफिक डाल देना कि उसकी सर्विस डिनायल हो जाए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो डिनायल हो जाए उसकी सर्विस. ऐसा किस तरीके से किया जाता है, ये किया जाता है जो कि टिपिकली इन्वॉल्व होता है सिंगल सोर्स से, जो आपका डिनायल ऑफ सर्विस है वो आपका टिपिकली इन्वॉल्व है सिंगल सोर्स से. वहीं जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है कि मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, वो अटैक कर दिया गया है. ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक. मैन इन द मिडल अटैक का मतलब है कि एक अनऑथोराइज थर्ड पार्टी जो है इंटरसेप्ट करती है और पॉसिबली ऑल्टर करती है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज. यानी कि ये मैसेज तो मैंने भेजा ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने नहीं किया, ट्रस्ट मी. ये होता है बच्चे, ये जेन्युइन में होता है. लेट सपोज आपने कोई मैसेज भेजा पर इंटरसेप्ट जो है या फिर थर्ड पार्टी ने उसको जो है ऑल्टर कर दिया, कोई बैठा है उसने भेजा, अच्छा यहाँ से मैसेज आया, उसको फटाफट ऑल्टर किया और सामने वाले को भेज दिया. अब सामने वाले कह रहे तुमने मुझे ऐसा कैसे भेजा, अरे ट्रस्ट मी मैंने नहीं भेजा, ये मेरी मैंने नहीं किया. जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना, एक लेटर लिखा, उसके बाप के हाथ लग गया, उसने जो है मिटा करके उसमें कुछ और लिख कर भेज दिया हीरो को. अब हीरो परेशान कि यार ऐसा कैसे कर दिया इसने. तो यहाँ पर जो है इस टाइप की चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं. सो मैन इन द मिडल अटैक यानी कि एक व्यक्ति बीच में बैठा है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसका दिया गया मैसेज अब किसी और तरीके से अर्थ का अनर्थ करके निकाल के जो है सामने वाली पार्टी को भेजा जा रहा है. ये होता है एक टेक्निक के थ्रू जो कि यहाँ पे ईवेज ड्रॉपिंग एक होता है ऑन अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स और यूजिंग मेलिशियस सॉफ्टवेयर टू
इंटरसेप्ट डेटा। तो कई बार क्या, अगर आप गलत सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ख़राब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, या फिर पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, कई बार आप देखोगे ना पब्लिक वाईफाई इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कोई और व्यक्ति जो वाईफाई का ऑनर है या फिर जिसके पास वो वाईफाई की कुछ एक्सेस है या फिर उसने ले रखा है एक्सेस, उससे जो है वो गलती करा सकता है। नेक्स्ट इज रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक टाइप ऑफ माल, एक आपका सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है आपकी फाइलों को। आपकी फाइलें ओपन नहीं होंगी, आपका पूरा सिस्टम ओपन नहीं होगा, इनएक्सेसिबल हो जाओगे। आप कंप्यूटर खोला के देखोगे मेरा डेटा कहाँ है, डेटा कहाँ है, आप चालू ही नहीं कर पाओगे, आपके स्क्रीन पर कुछ और दिखा हुआ आ जाएगा। सो यहाँ पे उसके लिए जो है अटैकर क्या कहता है, पैसे मांगता है कि भैया पैसे दे दो, लिखा हुआ आएगा पैसे दे दो, ले लो एक्सेस, ले लो, रिस्टोर कर लो अपना एक्सेस। मेथड्स क्या होते हैं इसके लिए कि भाई यहाँ पे कोई फिशिंग ईमेल है या फिर मलेशियस वेबसाइट आपने यूज़ कर ली, उसकी वजह से कुछ वहाँ पे ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और उसको एक्सेस मिल गया और उसने आपका जो है यहाँ पे सिस्टम स्टॉप करा रखा है। नेक्स्ट इज SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन जो है एक टाइप ऑफ अटैक है जहाँ पे अटैकर जो है कुछ मलेशियस मलेशियस SQL जो है कोड्स को इनपुट कर देता है, इंजेक्ट कर देता है आपकी इनपुट फाइल्स में जो कि वेब एप्लीकेशंस हैं, ताकि आप जो भी कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है मैनिपुलेट हो जाए, जो भी डेटाबेस है वो मैनिपुलेट हो जाए। यहाँ पे अटैकर्स ये सब करते हैं वल्नरेबिलिटी के लिए, इम्प्रॉपर्ली कोडेड वेबसाइट और एप्लीकेशन जहाँ पे प्रॉपरली वैलिडेट नहीं होता और सैनिटाइज नहीं होते इनपुट्स, ठीक है, यूज़र्स इनपुट्स। नेक्स्ट इज ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स। यहाँ पे ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट का मतलब है टारगेट करना वल्नरेबिलिटी को सॉफ्टवेयर्स की या फिर हार्डवेयर को जो कि अननोन है, और ये क्या है, टू द वेंडर या फिर पब्लिक के लिए। यहाँ पे जो है अटैक्स गिविंग होते हैं एक हेड स्टार्ट बिफोर सिक्योरिटी पैचेस आर रिलीज, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस रिलीज हो उससे पहले ये चीज़ कर दी जाती है। साइबर क्रिमिनल्स जो है ये एक्सप्लोर करते हैं इस टाइप की आपकी वल्नरेबिलिटी टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। यहाँ पे भी अनऑथराइज एक्सेस आपका लिया जाता है ताकि लॉन्च किया जा सके अटैक, और यहाँ पे जो है एक पैच डेवलप कर दी जाती है। नेक्स्ट इज एडवांस्ड पेरिसिस्टेंट थ्रेट। अब ये क्या है, ये टारगेट होता है जो कि आपका क्या करता है, अटैक्स किए जाते हैं एडवर्स सीरियस गेन के लिए, अनऑथराइज एक्सेस किया जाता है किसी नेटवर्क में एंड रिमेन अनडिटेक्टेड। और यहाँ पे क्या है, अनडिटेक्टेड वो होता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, एक पर्टिकुलर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। और ये किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, ये स्पॉन्जिस पर्पज़ के लिए ज़्यादातर किया जाता है, जैसे कि APTS इन्वॉल्व होता है केयरफुल प्लानिंग के साथ, रिकनेशंस के साथ एंड द यूज़ ऑफ कस्टम टूल्स टू मेंटेन पेरिसिस्टेंस एक्सेस, यानी कि ऐसा एक्सेस जो कि दूसरे को ना पता हो। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं ना बच्चे, अगर आपने किसी के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिए, आप उसका सिस्टम पूरा देख सकते हो, ठीक है। ये हमें भी अभी रिसेंटली कुछ पता चला है। तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं। सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है मैनिपुलेट करना किसी इंडिविजुअल को टू डेलीग्यू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और परफॉर्म एक्शन दैट मे कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। जैसे कि आपने देखा होगा एक जो है कुल्लट वाला कपल था, उनका कुछ ऐसा एक वीडियो था जिसकी वजह से उनको बहुत हार्म हो सकता था, उनका पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन था, कुछ पर्सनल उनकी डेटा थी या कुछ भी उनका चीज़ था। तो यहाँ पे जो है क्या करा गया, उनको मैनिपुलेट, उनको जो है एक तरीके से डराया धमकाया गया और जो कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। सो यानी कि यहाँ पे आप मैनिपुलेट करते हो किसी इंडिविजुअल को जहाँ पे उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। आपने कई बार देखा होगा लोग आजकल फेस चेंज करा करके भी बहुत कुछ जो है डीप फेक चीज़ें करते हैं। टेक्निक्स यहाँ पे इंक्लूड होती है प्री टेक्सटिंग या फिर इन पर्सनल आपका जो है इम्पर्सेंटेशन एंड बिल्डिंग ट्रस्ट टू एक्सप्लोर ह्यूमन साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वल्नरेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइस साइबर थ्रेट्स कैन एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी इन IoT डिवाइस टू गेन अनऑथराइज एक्सेस, लॉन्च अटैक और कॉम्प्रोमाइज प्राइवेसी।
इसमें क्या हो सकता है कि भाई आपने वीक पासवर्ड लगाया, ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट पे है, आपने अपना 1234 पासवर्ड लगा दिया, कोई भी जीमेल खोल लेगा, अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप खोलोगे ना, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजोगे ना, सो यू कैन सी देयर इज़ अ मैसेज ऑल द टाइम, दैट मैसेज सेंड टू दिस पार्टी इज़ इनक्रप्टेड, ओके, तो इसका मतलब है कि जिसको भेजा गया है सिर्फ वही इसको पढ़ सकता है और आप इसको पढ़ सकते हो। अनइनक्रिप्टेड मतलब जिसको रास्ते में देखा जा सकता है, जैसे आपने कई बार मीम्स देखे होंगे, फेसबुक पे बैठे हुए बंदे हंस रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं, सो वो एक्चुअली में कई जगह होता है कि भाई आपके मैसेज इन अनइनक्रप्टेड है, वो जहाँ भी जा रहे हैं उसको कोई भी जो भी नेटवर्क्स में अवेलेबल है वो देख सकता है, ठीक है। तो एंड आउटडेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपको जो है इस तरीके के अटैक्स से रूबरू करा सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।